नाउ द क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, माइक्रो वर्ड ग्रीक वर्ड माइक्रोस से लिया गया है जिसका मीनिंग है स्मॉल। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्मॉलर एंड इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, ए कंज्यूमर्स बिहेवियर मीन्स कंज्यूमर्स डिमांड फॉर गुड और फर्म्स सप्लाई एक्सेट्रा। बट द वर्ड मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल। एक पूरी इकोनॉमी को एक सिंगल यूनिट के तौर पर स्टडी करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज, सेकेंड पॉइंट इज, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करने का ऑब्जेक्टिव है कि नेशनल इनकम को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव होता है टू गेट फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। हाउ टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट लेवल, आउटपुट एंड इनकम इन द इकोनॉमी, दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि हम होल इकोनॉमी को एक ही साथ स्टडी करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरह से एक इकोनॉमी में इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट को इंक्रीज किया जा सकता है और फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट इज, माइक्रो इकोनॉमिक्स मेनली डील्स विद प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग। ज्यादातर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक प्रोडक्ट, एक किसी भी चीज की प्राइस कैसे तय होती है, एक फैक्टर की प्राइस कैसे तय होती है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। इसलिए इसका नाम प्राइस थ्योरी भी है, इसको हम प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स मेनली डील्स विद इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। हम एक इकोनॉमी में किस तरह से एम्प्लॉयमेंट लेवल को, रोजगार को इंक्रीज कर सकते हैं, आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं और इनकम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी है। इट इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, मेथड ऑफ स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पार्शियल का मतलब क्या होता है? पार्शियल मीन्स ए पार्ट ऑफ द होल। जैसे कि एक इकोनॉमी का एक पार्ट, एक सिंगल और इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक सिंगल फर्म, हम इसको स्टडी करते हैं। एक इकोनॉमी का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटी सी यूनिट को स्टडी करते हैं। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेथड ऑफ स्टडी है उसको पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहा जाता है। बट मेथड ऑफ स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, क्योंकि हम होल इकोनॉमी को एक ही टाइम पर एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट के तौर पर स्टडी करते हैं। सो हेयर मेथड ऑफ स्टडी इज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। एंड नेक्स्ट इज, व्हाइल स्टडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स वी अज्यूम मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो हम मान के चलते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि सारे मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं। और व्हाइल स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स वी अज्यूम माइक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं तो हम सारे माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानकर चलते हैं। इसके साथ ही एक और है डिफरेंस, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्सिस। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्सिस क्या है? व्यष्टि समष्टि विरोधाभास। मीन्स द स्टेटमेंट व्हाट इज ट्रू फॉर एन इंडिविजुअल मे नॉट बी ट्रू फॉर द होल इकोनॉमी। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, कोई भी फैक्ट जो कि एक सिंगल कंज्यूमर के लिए, सिंगल प्रोड्यूसर के लिए ठीक है, जो वहां एप्लीकेबल है, वो पूरी इकोनॉमी पर एप्लीकेबल होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल,
सेविंग इज वर्च्यू फॉर एन इंडिविजुअल। सेविंग करना, बचत करना एक इंडिविजुअल के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर एक इकोनॉमी में सारे लोग सेविंग करना शुरू कर देंगे, इन दैट केस एग्रीगेट डिमांड विल फॉल। एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होने से प्रोड्यूसर्स को भी प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन कम होने से एम्प्लॉयमेंट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होने से इनकम कम हो जाएगी एंड इकोनॉमी जो है वो डिप्रेशन में चली जाएगी। तो ये मैक्रो पैराडॉक्सेस, ये भी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक डिफरेंस है।